तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आयु अच्छे होंगे। तो हमारे पास एक कंटेंट और है, ये वीवो का Y30 मॉडल है, जो कि एक हमारे स्टूडेंट का ही है। ये स्टूडेंट कर रहे हैं, हम अल्ट्रा व्यूवर में सपोर्ट करने वाले हैं। तो इसकी अनलॉकिंग करेंगे आज कुछ अलग तरीके से, अनलॉक टूल के माध्यम से। अगर आपका UMT और मिरकल से फाइल सक्सेस होकर के भी फाइल हो रहा है, तो नहीं काम हो रहा है, तो इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। 110% इसमें एक सोल्यूशन डाला हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा, तब आपको जाके प्रॉपर समझ में आएगा। ये वीवो का Y30 मॉडल है, जिसकी हम करने वाले हैं अनलॉकिंग। और ये हम स्टूडेंट का ही है, हमारे स्टूडेंट है इसमें, और अल्ट्रा व्यूवर में आकर के हम उनको सपोर्ट करेंगे और उसको हम करने वाले हैं फ्रेंड। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे हमने आपको दिखाया कि जो हमारा ये वीवो का Y30 फ़ोन है, और इसे हम बहुत इजीली तरीके से करने वाले हैं। तो अगर आपका UMT और मिरेकल से फेल हो जाए, और होने के बाद भी ना हो, तो हम इसे अनलॉक टूल से करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, आप अनलॉक टूल से हम इसकी अनलॉकिंग करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारी मैं वीडियो देख रहा था कि बहुत सारे वीडियो डले भी हैं, सक्सेस भी हो जा रहा है, पर काम नहीं करता था। तो फ्रेंड्स, ये हम आज अनलॉक टूल से करने वाले हैं वीवो का Y30 मॉडल को। अगर उसमें भी क्या एरर आता है, तो मैं भी उसमें सब प्रॉपर, आप लास्ट एंड तक वीडियो देखिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि बहुत मैं कोई भी अपने चैनल में फेक वीडियो नहीं डालता हूँ, बट आप हमारे चैनल में अगर नए हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, हमारा इंटरफेस खुल चुका है, ये अनलॉक टूल का है। तो हम वीवो सेलेक्ट करेंगे। वीवो सेलेक्ट करने के बाद, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपना मॉडल सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारा है Y30, हम इसको वीवो का Y30 ले लेंगे, जिसमें मीडियाटेक CPU लगा हुआ है। और फ्रेंड्स, मैं कभी भी फिर से बोल रहा हूँ, तो हमने यहाँ पे Y30 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर्मेट पे आपको क्लिक कर देना है, आपको फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है। अगर आपको फॉर्मेट में नहीं होता, तो आप फैक्ट्री रेज भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने फॉर्मेट पे टिक किया, और फॉर्मेट पे टिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कनेक्ट हो जाएगा। फिर फोन को आपको एकदम फोन को बंद करके सीधा फोन को आपको कनेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अभी देखिए, फोन हमने कनेक्ट कर रहे हैं। फोन कनेक्ट करने के बाद, ये हमारे एक स्टूडेंट का है, जो कि हम अल्ट्रा व्यूवर में आकर के अपने स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये स्टूडेंट से ही हमने ये तो हमारा स्क्रीन है जो मैं काम कर रहा हूँ, और उसके बाद हम अल्ट्रा व्यूवर में आकर स्टूडेंट को, तो देखिए हमारे स्टूडेंट ने यहाँ पे कर दिया है। और करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे, आप पोर्ट डिवाइस हमारा अभी वेटिंग फॉर आ रहा है, वेटिंग फॉर डिवाइस। इसके बाद फ्रेंड्स, फोन हमारा कनेक्ट हुआ। कनेक्ट होने के बाद देखते हैं, क्योंकि कोई भी जो भी एरर आएगा, मैं यहाँ पे आपके सामने लाइव करने वाला हूँ। आप मिरेकल और UMT से आपने ट्राई किया होगा, और तो देखिए यहाँ पे एरर आ चुका है। तो फ्रेंड्स, ये बूटिंग का एरर है, ये कनेक्टिविटी का एरर है, मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके बाद आपको करना क्या है फ्रेंड्स, आपको MCT का बाईपास टूल आपको लेना है। MCT का आप एक बार फिर से ट्राई कर सकते हो कि हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पर आपको यहाँ पे जो इसका एरर है फ्रेंड्स, ये आपका पोर्ट का एरर है, क्योंकि मीडियाटेक का पोर्ट स्टेबल नहीं होता है। तो उसके लिए आपको इस टूल को यूज़ करने के लिए, अगर आपको कभी दिक्कत आता है इन फ्यूचर, या फिर आपको कोई भी यूट्यूब में ऐसा नहीं बताएगा जो मैं आपको यहाँ पे डिटेल दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, फिर से हमारा वेटिंग फॉर डिवाइस आया। उसके बाद देखते हैं कि फिर से एरर आता है कि नहीं। अगर एरर फिर से आता है, तो आपको क्या करना है फ्रेंड, जो स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। ये अपडेट के रूप में है, और ये हम स्टूडेंट के अल्ट्रा व्यूवर आईडी से कनेक्ट होकर के हम सारी चीजें हम खुद यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं। तो देख सकते हैं, यहाँ पे हुआ, कनेक्ट हुआ हमारा फोन। और कनेक्ट होने के बाद देखते हैं कि हमारा फॉर्मेट होता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, ये सारा प्रोसेस जो है, आप देखिए फिर से हमारा एरर आ गया। जैसे ही बूटिंग पे गया, जैसे ही ब्राउन मोड पे कनेक्ट हुआ, फिर से एरर आ गया। तो अब फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, एक MCT टूल आपके पास होगा, तो आपको MCT टूल को ओपन कर लेना है। तो हम वही करने वाले हैं फ्रेंड्स, कि पोर्ट को, मीडियाटेक पोर्ट को हम सबसे पहले पहले स्टेबल कर देंगे, उसके बाद हम कमांड को देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम करते क्या है कि मीडियाटेक जो है भी है हमारा, उस टूल को हम MCT टूल को ओपन करेंगे। और MCT टूल ओपन करने के बाद ये सारा प्रोसेस हम यहाँ पे करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टूडेंट ने एक से दो बार ट्राई किया, तीन बार ट्राई किया, और एरर पे एरर ही आ रहा था। तो उसमें कोई भी एरर वाली बात नहीं है फ्रेंड, इसीलिए हम आपके सामने लाइव ही कर रहे हैं, जिससे आपको भी ये चीज़ इंटरफेस का पता चले, और आप कभी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो अब हमारे स्टूडेंट फिर से, बट एक बार और बताना चाहूँगा कि जितनी बार आपका फ़ोन कनेक्ट ना हो फ्रेंड,
उतनी बार आपको फोन को वापस से या तो चालू कर लें या तो उसकी बैटरी को रिमूव कर लें तब लगाएं। ये आपको छोटी सी बेसिक जानकारी भी मैं दे दे रहा हूँ कि कभी भी अगर आप यहाँ पे करते हैं और बार बार आप एक ही बार बार फोन को कनेक्ट करते हैं बिना बैटरी को रिमूव किए या रिस्टार्ट किए तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो अब यहाँ पे हम MCT टूल का यूज करेंगे फ्रेंड्स। जैसा कि मैं आपको बता दूं, MCT टूल हम यहाँ पे यूज करेंगे और उसके ड्राइवर को हम बाईपास कर देंगे उसके। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी आपके सामने पूरा हम लाइव भी करने वाले हैं, तो देखिए ये MC टूल है। अब इसको हम बाईपास करेंगे और फिर से फोन को आपको कनेक्ट कर देना है वैल्यूम अप डाउन दबा के। कभी भी ये टूल आप यूज करें तो वैल्यूम अप डाउन दबा के ही ये कनेक्ट होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जब भी आप टूल को यूज करेंगे, आप कोई सा भी मीडियाटेक आप इसमें पोर्ट को स्टेबल कर सकते हैं और बाईपास कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओके, आपको वैल्यूम अप डाउन दबा करके फोन को कनेक्ट करना है, क्योंकि फोन हमारे पास नहीं है, ये हमारे स्टूडेंट के पास फोन है और ये स्टूडेंट ही सारा कर रहे हैं। मैं यहाँ से बस कमांड कर रहा हूँ। तो देखिए हमारा ये कनेक्ट हो चुका है। अब फिर से हमें अनलॉक टूल पे जाना है और अनलॉक टूल पे जाने के बाद फ्रेंड्स अब वही प्रोसेस हमें फिर से करना है। तो देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कुछ नया है आपके लिए, कुछ नए ट्रिक्स हैं कि अगर आपका मिरेकल और UMT फेल हो जाता है, अगर आपका मिरेकल और UMT किसी भी रीजन से फेल होता है फ्रेंड, तो आप बहुत ही इजीली तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हैं। देखिए फिर से हम आ गए हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे हम फिर से फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करने के बाद देखिए कनेक्ट हुआ फोन हमारा। अभी वेटिंग फॉर USB लिखेगा, फिर उसके बाद फोन हमारा कनेक्ट होगा और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कोई एरर आता है कि नहीं फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अभी तक कोई एरर नहीं है और अभी हमारा फोन कनेक्ट होगा और बहुत ही इजीली तरीके से हमारा ये काम हो जाएगा। देखिए ओके हो चुका है यहाँ पे। अभी हमारा ये देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए कोई भी एरर नहीं आया फ्रेंड्स, तो मतलब हमारा जो पोर्ट था वो स्टेबल हो चुका है। ये पोर्ट का ही एरर था, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू हो चुका है। जो वीवो का ये Y30 फोन है, जैसा कि आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं फॉर्मेटिंग का ये वीडियो, कि अगर इसमें फॉर्मेटिंग होती है और ऊपर आप देख सकते हैं ब्राउन में, आप वहां से इजिली तरीके से अगर आपका FRP बाईपास नहीं होता है तो आप उसके ऊपर से आप उसकी FRP बाईपास भी कर सकते हो। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा इजिली तरीके से फॉर्मेट हो चुका है, फोन कम्प्लीटली जॉब डन हो जाएगा। फिर फाइनली आपको हम दिखाएंगे कि हमारा सक्सेस हुआ कि नहीं। ये 100% सक्सेस है। और अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपका फॉर्मेट से ना हो फ्रेंड, तो आपको करना क्या है, आप फैक्ट्री इरेज भी कर सकते हैं। आपको मैं फिर से रिमाइंड करना चाहूंगा कि अगर आपको देखेंगे फॉर्मेट के ऊपर फैक्ट्री और FRP का एक ब्राउन FRP का एक ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको अगर हमारा फॉर्मेट पे काम ना करे तो आप वहाँ पे फैक्ट्री इरेज करके जरूर एक बार ट्राई करें कि हमारा काम हो रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हम सीधा चलेंगे स्टूडेंट के फोन में और देखेंगे कि हमारा जो काम हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड। देखते हैं हमारा, अब हम सीधा फोन के ले चलेंगे फोन के पास, क्योंकि आप देख सकते हैं फ्रेंड कि इसमें बहुत सारे एरर आते हैं। मिरकल में भी मैंने ट्राई करवाया था स्टूडेंट से, तो सर बोला कि सर ये हमारा नहीं हुआ, फेल हो गया था। जैसा कि मैं आपको बता दूं फेल नहीं हुआ था, 100% सक्सेस हो गया था, फिर भी अनलॉकिंग नहीं हुआ था, फिर से उसमें लॉक लग गया था। तो ये जो अनलॉक टूल है ये भी बहुत अच्छा टूल है। आप इसको कैसे परसेस करना है, आप हमारे और भी वीडियो में जाकर के इसकी फुल डिटेल अनलॉक टूल के बारे में देख जान सकते हैं कि अनलॉक टूल को आप कहाँ से परसेस करेंगे, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने स्टूडेंट ही वो वीडियो बना रहा है, तो हम उसमें मोबाइल में चलते हैं। तो देखते हैं कि हमारा जो फ़ोन है वो प्रॉपर तरीके से अनलॉक हुआ कि नहीं। तो ये देखिए स्टूडेंट के काउंटर का ये है हमारा। तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से जॉब डन हो चुका है। अब इसमें देखते हैं कोई FRP भी लगी है कि नहीं लगी है, तो आई होप उसके ऊपर ब्राउन का ऑप्शन FRP का भी दिया है फ्रेंड, तो बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हैं। नहीं तो ये वीवो का Y30 आपने वीडियो देखा होगा, काफ़ी आपको बहुत सारी दिक्कतें भी आई होंगी या फिर नहीं भी आ रही होंगी। अगर आ रही होंगी तो इस वीडियो को आपने लास्ट एंड तक जरूर देखा है, तो वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे फ्रेंड, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारा चीज़ यहाँ पे 100% जॉब डन हो चुका है। कोई भी FRP नहीं लगी है, कोई भी कुछ नहीं लगा है, ये अनलॉक टूल से बहुत ही इजीली तरीके से हो चुका है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। तो आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।